मुफक्कर बेसिकली एक राह है ठीक, जिसमें है फाका, फनात, रियाजत, और जो इस राह पर चलने वाला है उसे कहते हैं फकीर, कहते हैं उसे फकीर है वो। ये तो मेन बात है। अब आप देखें कामयाब कौन है, कुरान किसे कामयाब बोल रहा है, जिसने दुनिया कमा ली या आखरत कमा ली, तो आखरत। तो अभी फ़कीर ने तो ना कभी किसी का दिल दुखाया, ना कभी किसी से उसने कुछ किया ऐसा गलत, किसी का हक मारा, कुछ भी नहीं। उसने हमेशा एक जो माशरे का उस पर सोचा ना, उसको उसने वो किया, आगे लाया, सामने लाया लोगों के। तो फिर अब आप बताएं, जिसकी आखिरत कामयाब है वो ज़्यादा कामयाब है, या जो वो जिसकी दुनिया कामयाब है वो ज़्यादा कामयाब है? आखिरत वाला। अगर आप देखें ना इसके लिए तारीख आप उठाएं, तो उसमें जो हम फ़कीर हैं, वली हैं, ये जी जहाँ जहाँ गए हैं लोग, पहले तो अभी लोगों ने इन्हें देखा है कि ये कौन है, फिर लोग इनके पास गए, फिर लोगों ने इनके पास जाना शुरू कर दिया। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अमल से, अपनी हिकमत से, इन्होंने लोगों के जहन में बहुत सारी एक नई ख्यालात रखे हैं, और यही तबलीग है। तबलीग यही है कि आप एक इंसान को उसके रब के पास ले जाएं, उसको उसके रब की पहचान करवा दें। ये नहीं है जी आप वहाँ पर बैठ गए जी, वहाँ बातें स्टार्ट कर दी आपने, ये वो थोड़ी देर, नहीं, अमल है, और इसके पास अमल भी है। उस बात से कोई अभी कोई फ़र्क नहीं अभी पड़ता कि इस्लाम दुश्मन कितना ताकतवर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो करना है ना हम फ़कीर ने, वो एक इल्म है, वो एक सोच है, उसने इल्म से, ठीक है, और इल्म ऐसी चीज़ है कि आप खानकाह में बैठे हों, इल्म ही रहता है, बदलता नहीं है। आप किसी कुएं में उतर जाएं, इल्म ही रहता है। इल्म हर जगह, ये कैसा हथियार है जो हर जगह चलता है, में ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। वो इस तरह कि ये जो उलमा है ना, इनको आप जी ठीक है रख लिया, इनको आपने कोई प्लेस दे दी, जगह दे दी, आप लोग बैठ गए, ये स्टेज पे बैठ गए, इन्होंने अपनी वो जो तीना रटी रटाई बातें, किताबी बातें कर दी, वो चले गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो हम फ़कीर है उसके पास है अमली है, एक अमल है। देखिए फाका क्या है, अमल है, फनात क्या है, अमल है, रियाजत क्या है, अमल है। ये तीन ऐसे अमल हैं कि जो आज के तक कोई उलमा कर नहीं पाया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ़र्क नहीं है? ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है उलमा में और फ़कीर में। देखें असल फ़कीर के पास, मैं आपको तीन चीज़ें मैं बहुत ज़ोर इस पर दे रहा हूँ बार बार, फाका, फनात, रियाजत, जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं ना वो फ़कीर है। और दूसरी बात ये कि अब लेकिन विलायत मौला अली, जिसके पास ये है ना, समझे, उसके पास फिर वो सही मुकम्मल फ़कीर है। क्योंकि आपने अगर आप उठा लें तारीख को, उसमें शाह शम्स का और उनका वाक्य बड़ा मशहूर है, मौलाना रोम का, शाह शम्स किस तरह है, एक उनके पास चादर थी और जिम मौलाना रोम शागिर्द हैं फलाना, लेकिन हुआ क्या एट द एंड, गल कौन आया, शाह शम्स आए, क्यों आए, फ़कीर हैं। और जिस बात विलायत अली का जो पैकर है ना, क्योंकि ये जो बांटी जा रही है ना विलायत, हर फ़कीर वली है जब तक उसे मौला अली पाक आकर उसकी अशारत ना दें। जब वो दें अशारत, ये मेन शर्त है, जिसे वो ना आए ना मिलें, वो फ़कीर क्या, वो कभी, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं वो।